हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सूफी इयाज। आई एम मार्केटिंग कंसल्टेंट और ट्रेनर। आज का मेरा बहुत यूनिक टॉपिक है, एंजॉय वर्क फ्रॉम होम। घर से काम करना एक सपना रहता था कि हम घर में रहेंगे, काम करेंगे। और आज बिकॉज ऑफ दिस एरा, कोरोना के चलते सभी लोग, बहुत सारे लोग, मेरे कलीग, मेरे फ्रेंड्स, मेरे जूनियर, मेरे सीनियर, बहुत सारे लोग घर से काम कर रहे हैं। सो अपने वर्क को कितना अच्छा और इफेक्टिव बना सकते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ एंजॉय वर्क फ्रॉम होम, उसके लिए मेरा एक फॉर्मूला तैयार हुआ है। ड्रीम, उसके लिए ड्रीम फॉर्मूला क्या है वो आपको मैं बताऊंगा वन बाय वन। व्हाट इज ऑल अबाउट, फर्स्ट इज डी। डी इज ऑल अबाउट, अगर मैं घर में हूं तो डेडिकेटेड वर्क स्पेस मेरे पास होना चाहिए। सो डेडिकेटेड वर्क स्पेस का एडवांटेज है, बहुत सारे लोग देखा गया है, फोन कॉल करो, घर में बैठे हैं, बच्चों की रोने की आवाज, चिड़िया की आवाज, पीछे से बैकग्राउंड आती रहती है, मरमरिंग चलते रहती है, वो कहीं ना कहीं मुझको डिस्ट्रैक्ट करती है, मेरे वर्क को, मेरे प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करती है, और मैं कहीं ना कहीं अपने टास्क से कॉम्प्रोमाइज करता चला जाता हूं। तो पहला डी होता है, अगर आप घर में हैं तो डेडिकेटेड वर्क स्पेस आपके पास होना चाहिए, ताकि आप अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोसेस को, फॉर्मेट को, वर्क को, प्रेजेंटेशन को बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। पहला डी, डेडिकेटेड वर्क स्पेस इन योर होम। सेकेंड आर, R is all about ready for internet connection. अगर आप घर में काम करते हैं, everybody is virtually connected by internet. So अगर आप internet से connect हुए हैं, जुड़े हुए हैं, आपका laptop connected है, तो proper broadband का connection होना चाहिए, proper place में होना चाहिए, network होना चाहिए। कभी आपको call आता है या webinar में बैठे हैं तो disconnect नहीं होना चाहिए, disturbancing नहीं होना चाहिए। My dear friend, this is very much important. So D is all about डेडिकेटेड वर्क स्पेस। आर इज ऑल अबाउट रेडी फॉर द इंटरनेट कनेक्शन, प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव वर्क शेड्यूल होना चाहिए। अगर मैं बैठा हूं सवेरे, इफ आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं अपने वर्क स्पेस में बैठा हूं, मेरे पास इंटरनेट कनेक्टेड है, तो मेरे पास टास्क भी रेडी होना चाहिए, इफेक्टिव शेड्यूल रेडी होना चाहिए, प्रायोरिटाइज होना चाहिए, कौन सी चीज, कौन सा मेल मैं रिप्लाई करूंगा, कौन सा फॉर्मेट भेजूंगा, किससे फॉलो अप करूंगा, कब फॉलो अप करूंगा, कितने मेरे पास मल्टी टास्क हैं और किस किस तरीके से उसको मैं समय के साथ कंप्लीट कर पाऊंगा। और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप अपने एरर को कम कर सकें और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और डेवलप दैट रेपुटेशन। समय पे मेल आता है तो समय पे रिप्लाई करिए, और उस रिप्लाई करने के लिए आप अपने शेड्यूल को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करिए, ताकि आपकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग बनी रहे, ताकि आपकी रेपुटेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बनी रहे, ताकि आप भी ग्रो करेंगे और आपके साथ साथ आपके टीम मेंबर भी ग्रो करेंगे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डी आर ई। A is all about that appropriate headphones होना चाहिए, ताकि जो noises आती हैं, unnecessary noise आती हैं, उसको minimize करें। जब किसी से बात करें तो proper angle में बात करें, proper तरीके से instruction समझें, briefing proper अच्छे से लें, किसी को अगर आप समझाने की कोशिश करें, your expression should be very good, ताकि आप express भी अच्छा कर सकें, लोगों को impress भी अच्छा कर सकें, तो आप proper आपके पास headphone होना चाहिए, ताकि वो आपको disturb ना करें, आपके noise level को खराब ना कर सके। This is most important. और last but not least, M is all about maintaining सेल्फ डिसिप्लिन। घर में है, देखा गया रूटीन, लोग 11 बजे उठते हैं, 12 बजे उठते हैं, लेट नाइट काम करते हैं। माय डियर फ्रेंड, सेल्फ डिसिप्लिन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सक्सेसफुल पर्सन। टाइम से उठें, टाइम से अपना काम करें और अपने सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखे रहें, ताकि आप अपने काम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकें ऑन टाइम। अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन की, चलता है चलते रहेगा, आज नहीं करूंगा, घर में तो हूं, कल करूंगा, तो माय डियर फ्रेंड, इट इज नॉट वेल, इट इज नॉट ए गुड साइन। So, अपने काम को सही तरीके से पूरा करें, अच्छा करें, और उस सेल्फ डिसिप्लिन में समय पे खाना खाएं। ऑफिस में जाते थे, 1:30 बजे का लंच टाइम रहता था, तो हम लोग लंच टाइम पे ही खाना खाते थे। वर्क फ्रॉम होम में कभी 2 बजे खाना खा रहे हैं, कभी 4 बजे खाना खा रहे हैं, प्लीज ऐसा ना करें। बहुत सारी स्टडीज आई हुई है कि घर में रह रहे बहुत सारे लोग की मेंटल हेल्थ खराब हुई है, फिजिकल फिटनेस खराब हुई है। घर में रहें, समय पे काम करें, प्रॉपर एक्सरसाइज खाएं, अच्छा खाना खाएं, परिवार के साथ अच्छा टाइम व्यतीत करें, ताकि आप भी ग्रो करेंगे, आपके परिवार भी आपके साथ सुखी रहेगा। तो जो आज का मेरा फॉर्मूला है, ड्रीम फॉर्मूला, डी इज ऑल अबाउट डेडिकेटेड वर्क स्पेस, R is all about ready for the internet connection, E is all about effective schedule होना चाहिए आपके पास टास्क के लिए, A is all about appropriate headphone, last but not least maintaining the self discipline, ताकि आप अपने सपने को साकार कर सकेंगे, और आपका सपना आप ही साकार कर सकते हैं, because you are the person to help yourself, nobody in the world to help yourself। और ये कहा जाता है कि एक अच्छा
नॉलेज, एक अच्छे एक्सपीरियंस आता है. दिस इज द टाइम यू गेन द प्रॉपर एक्सपीरियंस, प्रॉपर नॉलेज, ताकि फ्यूचर आपका ब्राइट रहे, प्रॉस्परस रहे, आप अपने समय के साथ अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकें विद दिस ड्रीम फॉर्मूला एंड एंजॉय वर्क फ्रॉम होम. आई एम श्योर जहां भी आप सुरक्षित हैं, अच्छे हैं, सेफ रहें, अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, कलीग टीम का ध्यान रखें, सोसाइटी का ध्यान रखें, और प्लीज गरीबों की मदद करना ना भूलें. आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा. अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.